हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राज किचन। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल पकौड़े की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। जब भी कोई सब्ज़ी ना हो या फिर सब्ज़ी खाने का मन ना करे तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया हुआ है एक कटोरी, मैंने ली है चना दाल। इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के रखा हुआ था और ये अच्छे से भीग चुकी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसी के साथ ही मैंने लिया हुआ है अनियन, ली है मैंने 1 अनियन ली है, इसे भी बारीक बिल्कुल कट कर लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है बेसन, 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है। और देखिए, इसी के साथ ही कुछ मसाले हैं। ये हल्दी पाउडर मैंने लिए 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैंने लिया है मेथी दाना, 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर। और ये कुछ साबुत मसाले मैंने लिए हैं, ये गार्लिक है, 4 कली मैंने ली है गार्लिक की। और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है काली मिर्च, साबुत है ये। और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। तो ये मसाले हम अलग से ग्राइंड करेंगे, और ये जो दाल के साथ ये हरी मिर्च और ये जो ज़ीरा है, इसी के साथ ही हमें ग्राइंड करना है। हरी मिर्च और ये ज़ीरा, इन तीनों को हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें ये दाल ऐड करते हैं, क्योंकि इसे हमें अच्छे से ग्राइंड करना है। तो इसमें डाल देते हैं सारी, और इसी के साथ ये जो मैंने आपको ज़ीरा दिखाया था इसे भी इसमें ऐड करेंगे, और ये हरी मिर्च इसे भी डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम रखें। थोड़ा सा ये चटपटा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का होना चाहिए। इसमें मैंने बस 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया था, 1 से 1.5 हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें मैंने ऐड नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। हल्का सा दरदरा है ये, इस तरह का हमें इस तरह से बनाना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है और इसमें हम अनियन वगैरह ऐड करेंगे। और ये जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे, ये इसे भी हमें ग्राइंड करना है, तो हम इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। इसी जार में हम इसे भी ऐड कर देंगे, और इसका भी अच्छे से बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें निकाल लिया है और इसे भी हम पेस्ट बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें अब डाल देते हैं अनियन। अनियन को बिल्कुल बारीक ही मैंने कट किया हुआ है, इससे जो पकौड़े बनेंगे वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको डाल दिया, और इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे नमक, और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ऐड करने हैं, ये ऐसे ही बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है ये, बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं ताकि अनियन जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है ताकि पतला हो जाएगा, तो पकौड़े जब हम बनाएंगे इसके तो वो सही बनेंगे नहीं, तो इसी तरह का होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं इसे, और इसे प्याज इसमें ऐड करने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, तुरंत इसके पकोड़े बना लेने हैं, क्योंकि जो अनियन होती है उसमें मॉइस्चर होता है और ये जो इस पर पानी निकल सकता है, तो इसे तुरंत हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, मैंने ऑयल डाल दिया इसमें गर्म होने के लिए, और गर्म हो रहा है। मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें यूज़ किया है, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। तो देखिए, ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डालते हैं छोटे छोटे पकौड़े इस तरह से, और गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, और इस तरह से आप छोटे छोटे पकौड़े इसमें डालेंगे। तो देखिए, मैंने डाल दिया है इसमें, जितने आएंगे उतने डाल दिए मैंने, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए।
तो देख सकते हैं इसमें से कलर भी अच्छा सा आ गया है, तो इसे हम पलट देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और हमने छोटे छोटे इसमें डाले थे तो ये जल्दी हो गए। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा कलर आ गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, तीखी चटनी या सॉस के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए तो इसी तरह से बाकी के पकौड़े जो हैं उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो चलिए चलते हैं मसाले को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी ऑयल में हम बनाएंगे, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मेथी दाना, और इसी के साथ ही जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे ग्राइंड करके रखे हुए हैं इसे भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम स्लो करके और इसे कवर करके ही डालें। फिर इसे चला देते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसी के साथ ही इसमें ऐड करेंगे ये हल्दी पाउडर जो मैंने आपको दिखाया था, सारे डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इन मसालों को अच्छे से हमें भूनना है, और इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक हमने पकौड़े में डाला है, तो अब ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसे मिक्स कर देते हैं, और इसे कवर करके हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। इसे कवर कर देते हैं, और ये जो मैंने आपको बेसन दिखाया था इसका भी एक घोल बना लेंगे हम इसमें पानी डाल के। तो ये देखिए इस तरह का मैंने ये घोल बना लिया है, और घोल बनाने के बाद मैंने इसे छान के लिया हुआ है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए मसालों को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। तो ये देखिए मसाले भी अच्छे से हमारे भुन चुके हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो पानी आपको जितना ग्रेवी रखनी है उतना ही ऐड करें, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है पानी, तो 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया इसमें भी। और गैस का फ्लेम फुल कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, 1.5 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड किया है। अब इसमें एक बॉयल आ जाने देते हैं, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। कभी भी आपके पास सब्ज़ी नहीं हो या फिर सब्ज़ी खाने का मन नहीं है, कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, ग्रेवी में बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, तो ये जो हमने बेसन का घोल बना के रखा हुआ था इसमें डालेंगे, और इसको डालते जाएंगे, इसे चलाते जाएंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम फुल रखेंगे। ये हमने जितना बनाया था सारा इसमें डाल दिया है, और इसमें इसको पकने देंगे। तो ये देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है, और इस ग्रेवी को हम अभी 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे, क्योंकि अब इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब थोड़ा सा इसे हम और पकाने के बाद इसमें पकौड़े सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको पकने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, देखिए थोड़ा सा थिक हो चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छी लगती, बस इतना ही मैंने किया है, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसमें हम पकौड़े ऐड कर देंगे, और पकौड़े डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक इसे हमें पकाना नहीं है, इसे डाल देते हैं। बस थोड़ा सा पका के हमें इसे बंद कर देना है गैस को। तो देखिए इसमें एक बॉयल आने लगा है, तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो जो पकौड़े हैं वो टूटने लग जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो बस इतना ही पकाना है हमें, और इसी के साथ ही मैंने थोड़ा सा ली है कसूरी मेथी, आप चाहे तो हरा धनिया आपके पास हो तो डाल सकते हैं, इसे डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी हमारी पकौड़े की बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा।
तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है ये। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।